आने वाले समय में आपका फ्रेम भी तोड़ सकते हैं दोस्तों, तो आपका फ्रेम यहाँ से चल भी सकता है। रास्ते में अगर कोई समस्या होती है तो वहाँ एक से एक आपको तुर्रम खाए मिलेंगे। जो यहाँ तो सारा सामान यही मिल रहा है, यही मिल रहा ना, एक जगह खड़ी कर दो, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं। डंडा फट रहा है वो ऐसा खोलेंगे जो आपके कान में से खून निकलने की संभावना हो सकती है। अरे कहाँ की है? सहारनपुर। आपकी बहुत अच्छी लगा मैं काम करना, और आपकी जो है यूट्यूब पे हम वीडियो देखते हैं तो काफी। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों मैं तुम्हारा भाई सुखविंदर सिंह सग्गू मुजफ्फरनगर से। दोस्तों ट्रांसपोर्ट नगर में आज दोस्तों हमारे टाटा की 5530 जो कि टिप्पर दोस्तों उसमें अटैच है, और गाड़ी आई हुई है दोस्तों रुड़की से, और इसका हमने सारा काम करना है। इसके हिस्से खुलेंगे दोस्तों और इसमें तमाम जो है अलाइनमेंट का काम होगा, और दोस्तों और भी बातें करेंगे। इसके अंदर जो है बैलेंस रॉड जो है इनमें जो आप देख सकते हैं जो कि दोस्तों ढीली हुई पड़ी है, और ये जो हो सारा सिस्टम जो है क्यों हो रखा है और कैसे हो रखा है दोस्तों सारी बात होगी। और जो कि स्टार्टिंग के वीडियो में आपने देखा होगा तमाम बंदे जो है आपको क्या कह रहे हैं, और खुद मैं आपको भी क्या बात बता रहा हूँ। गाड़ी एक हो रहा है वो उसका फ्रेम में सुराख करने हैं नक्के के, जो कि सुराख जो है ढीले हो गए हैं। 22 नंबर के बोल्ट जो है जो उसकी जगह हमने अब डाले गए हैं 24 नंबर के। फिलहाल जो है दोस्तों पहले वीडियो को शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। जो है गाड़ी सुबह सबसे पहले आई थी, ये ट्राली की जो है अलाइनमेंट करनी है और ये डंडा हमने खोलना है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपको दिखाएंगे पूरा प्रॉपर तरीके से कि जो है इस गाड़ी में हमने क्या क्या काम किए हैं दोस्तों। दोस्तों डंडा खुल गया है और इसे हम लेके जाएंगे अंदर हाइड्रोलिक प्रेस में। वही रूल सीजो से हर बार करते हैं। अब बताओ उससे रेडी पलट के इसे रेडी नहीं उठाई जा रही है, क्या हो रहा है इसे? ये मुझे लगता है कुछ दूसरी दिक्कत है, वो मैं करूँगा इसके बारे में बात इससे। और बाकी ये जो है डंडे में दोस्तों दाब देने की कमी है, और जो ठिप्पा जो है उसने वेल्डिंग पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं किया, वो हमें करना पड़ेगा क्योंकि उसने जो ठिप्पा टेम्परेली उस समय के अकॉर्डिंग लगा दिया है वैसे भी, लेकिन आप बताओ उसमें वेल्डिंग ना होने की वजह से वो पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाया होगा। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हर किसी पर हेमिक वेल्डिंग होता है, मैटर करता है, डिपेंड करता है कस्टमर की डिमांड के ऊपर दोस्तों। जैसी उसकी डिमांड होगी तो वैसी वो सर्विस फिर ये हम जो जैसे लोग मैकेनिक लोग हैं हम सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों। कोई भी हो सकता है दोस्तों, मैं भी हूँ, कोई भी हो सकता है इसमें। अब जो है डंडा जो है दोस्तों उतार के रेडी पे रख के अंदर लेके जाना है। बोल भाई। हाँ बोल बोल। हैं क्या कह रहा है? हो जाएगा आराम से। क्या दिख? कौन सा पंप? हाइड्रोलिक वाला, हाइड्रोलिक वाला खत्म निकला था, उधर रहा था वो। तो अब बता किस लिए फोन करा तुमने? करा मैंने, पंप खोल के डाला, सामान डाला भाई इसमें। हाँ हाँ पहले दे दे कांटे वगैरह, और क्या कांटे डाली उसमें, बड़े वाला रूटर डाला हुआ इसमें। दोस्तों एक ये फ़ोन भी आ रखा था, अभी एक बात चल रही थी इससे भी, ये कार्टेज डाली थी इसमें हाइड्रोलिक पंप में, जो कि बड़े वाली कार्टेज होती है दोस्तों, राणे का पंप है, उसके अंदर छोटी भी आती है एक बड़ी भी आती है, जो कि लोग बाग 3118 के नाम से जानते हैं कि हाँ भाई 3118 वाली कार्टेज दे दी। जो भी मतलब कस्टमर अगर सामान लेने जाएगा तो ये कह के ख़रीदता है उसे, तो बड़ी कार्टेज जो है दोस्तों वो हाइड्रोलिक पंप में लगी होती है वो ख़राब है। इसलिए मुझे ना देहरादून की तरफ से किसी का फ़ोन आया था, तो वो पूछ रहा था भी यहाँ भी कैसे क्या है क्या नहीं है, तो उसकी जानकारी के लिए दोस्तों मैं उसे थोड़ा सा डिटेल दे रहा था। और दोस्तों फ़िलहाल तो चलो वो बात मैंने आपको बताई दी, मगर दोस्तों उससे पहले ये डंडा जो है हम दबाएंगे और वो आप देखेंगे वीडियो में। थोड़ा मैं वीडियो को फास्ट करूँगा अभी, और फास्ट करके आप देखो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा मामला, अगर वैसे देखें तो पूरी शाम हो जाएगी वीडियो देखते देखने में, तो वीडियो तो बहुत छोटा सा बनाते हैं तो उस चीज़ को देखते हुए दोस्तों आप देखना आप खुद ही कि जो डंडा जो है अभी हमने दबाना है और उसमें और कई तमाम जो काम होंगे जो आप वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें, और हाँ वीडियो अगर देखेंगे ना पूरी तभी आपको पता लगेगा कि कौन सी जगह क्या क्या काम हो रहा है, कहीं ऐसी जगह फंस जाते हैं फिर बाद में कहते हैं कि पूरी बात नहीं पता लगती, फिर एक के दो देने पड़ते हैं, दो के चार, फिर बस नहीं देखोगे तो नुकसान आप सभी भाइयों का, मेरा नहीं है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ ट्रांसपोर्ट नगर मुजफ्फरनगर के, वीडियो बना बना के आपको शो कर रहा हूँ।
अगर आपको समझ में आ जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं आती तब भी अच्छी बात है। अब ये जो आप देख सकते हैं ये ठिप्पे जो है उस वाले डंडे के रेडी किए जा रहे हैं, जो कि उरे की तरफ एक ट्राली और खड़ी हुई है दोस्तों, उसमें काम चल रहा है दोस्तों, वो बाहर खड़ी है, मैं उसमें भी दिखा दूंगा वीडियो आपको उसकी। वो जो ठिप्पे हैं दोस्तों उसके ख़राब हो रखे हैं और डंडा जो है खुला हुआ है और उसे कंप्लीट भी करना है दोस्तों। फिलहाल जो है दोस्तों ये वाली जो है ट्राली जिसका डंडा हमने खोल रखा है, ये फुआ वाला यॉर्क वाला एक ही बात है, कंपनी बस नाम रखे हुए हैं, पहले वो भी ऐसे ही आता था, कंपनी के नाम अलग रख दिए, देखने में सब एक जैसे ही लगते हैं। और दोस्तों अब ये आपके सामने मैं आपको ठिप्पे दिखाऊंगा। सबसे पहले तो इसके मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं वीडियो में बार बार कह के थक चुका हूँ कि आप ट्राली नवी लेने जाते हैं वहाँ कहते हैं क्यों नहीं कि भाई इन ठिप्पों को अच्छे तरीके से वेल्डिंग कर दीजिए, एक एक टंका लगाया होता है, कोई कहेगा कि इसमें जंप आता है, इसमें वो आता है, फलाना आता है, भाई हमें तो पता नहीं जंप आता होगा नहीं आता होगा, हमें इतना पता है कि ये ठिप्पे पूरे वेल्डिंग करने हैं और पूरे वेल्डिंग करने के बाद ये कहीं जाते नहीं फिर। और कई गाड़ियों में मैंने देखा है शिकायत यही आ रही है कि नई नई गाड़ियाँ जो हैं वो लैंडमेंट आउट बता रही हैं और जिनके जो है बोल्ट भी ढीले होते हैं, सब सामान जो है तमाम जो है ढीला ही होता है। और उन चीज़ों को देखते हुए दोस्तों मैं आप सभी भाइयों से यही बात करना चाहूँगा आज पूरी डिटेल और विस्तार से। दोस्तों आप गाड़ी नहीं खरीदने चले गए वहाँ पे, पैसे दे जाते हैं, ऐसी सी बातें क्यों नहीं करते हैं, पूछते क्यों नहीं आप कि भाई ठिप्पे क्यों नहीं वेल्डिंग हुए। अगला बंदा इतनी दूर दूर से काम कराने आता है और जिन्हें पता लग रहा है ना अब वो सब सतर्क होते हैं। और दूसरा फिर एक चीज़ और, डमी डंडे को मना कर दिया है मैंने, डमी डंडा बिल्कुल लगवाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप ईएक्स का लगा लो या टाटा कंपनी का, वो बिल्कुल मुड़ा हुआ है, वो गाड़ी आनी थी वो अगली आई नहीं, वो चक्करों के चक्कर में रह गया होगा, बस चक्कर ही मार रहा था उससे, वो अभी तक उसने डंडा कराया नहीं, अब क्या पता और कहीं भी करा लिया हो जल्दी के चक्कर में। बाकी दोस्तों गले में भी दर्द होने लग गया, बार बार मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि हाँ भाई इस काम को करवा लो, नहीं बस वैसे ही रहना है भाई, होवे मुझे क्या दिक्कत है, फिर करवाई जाओ, फिर पैसे लगाई जाओ अपनी गड्डी में, एक तो नए के पैसे दे के आओ फिर बाद में सही कराने के पैसे दो से। और बैलेंस रोड का देख लो, वो बुश जो है इसके वो जहाँ डलवा के आए हैं नहीं तैयार करवा के हैं ट्राली, वो सब धक्का पेल वाला काम हो रखा है, बुश आधे से ज़्यादा बाहर है, पूरा प्रॉपर तरीके से बुश अंदर किया नहीं उन्होंने, फिट फिट करके टाइट करके बोल्ट जो है वो ढीले पड़े हैं, बस क्या कहें दोस्तों, ये बातें जो है ना तुम लोग समझते नहीं हो, नुकसान पर नुकसान होता रहता है। पिस्ता कौन है इसमें, गाड़ी का मालिक, गाड़ी का मालिक पिस्ता है इसमें, ना तो ड्राइवर का कुछ जाता है ना कुछ जाता। अब जो सिंगल मोटर मालिक हैं वो बेचारे वो कितने परेशान होते होंगे, जिन पे एक एक दो दो गाड़ियां हैं, जो एक एक गाड़ियां चला रहे हैं वो बंदे कितने परेशान होते हैं, वो बेचारे ढूंढते रहते हैं कि हाँ भी कोई हमें बंदा ठीक मिल जाए कि हाँ भी हम काम वहाँ सही करा लें, तो वो बेचारे परेशान रहते हैं और फिर वो फंस भी ऐसी जगह जाते हैं जाके, फिर वो बस कर लो काम को बस बुरा हाल हो जाता है। तो मैं दोस्तों आपको यही समझाने के तौर पर कहता हूँ कि कोई भी अगर आप ट्राली परचेज कर रहे हैं या कुछ भी आप काम करवा लें, पहले उसकी जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही उस काम को अंजाम दें। अभी हमारे पास गाड़ी आई हुई है देख लो, ये रुड़की उत्तराखंड से आई हुई है ज्वालापुर के पास से, वहाँ से गाड़ी है कहाँ काम कराने के लिए, क्योंकि ज्वालापुर में एक से एक बंदे हैं वहाँ पर काम करने के लिए, फिर बात आ जाती है एक्सपेंसिव वाली, क्योंकि दोस्तों वहाँ का मामला कुछ हो रहा है और हमारे मुजफ्फरनगर शहर में ट्रांसपोर्ट नगर में मामला कुछ हो रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ सब तमाम दुकानें आसपास ही हैं दोस्तों, आप सब समझदार हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बातों से ही बंदे को काफ़ी कुछ चीज़ें पता लग जाती हैं। अब एक देख लीजिए, मैं थोड़ी सी बात अपने हाइड्रोलिक सिस्टम पे जोड़ लेता हूँ, कई जो है मतलब ये स्टेयरिंग जैसे मतलब खुल जाता है गाड़ी का, अब एक स्टेयरिंग आया था थोड़े दिन पहले, मैंने मना कर दिया था, उसकी वीडियो भी डाल रखी है मैंने, उस बंदे को मैंने मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं करने का भैया, रहने दो आप नया लगा लीजिए। अब उसकी खाली किट किट जो है अगर वो परचेज़ करना चाहे अपना स्पेयर पार्ट से 2800-2900 रुपये की किट आएगी कंप्लीट उसकी रबड़ सेल्लों की, जो कि दोस्तों पहले मैं तो मैंने आपको सबको बता ही चुका हूँ कि जो रबड़ सेल्ले हैं मैं खुद ही अपने पर्सनल डालता हूँ, मैं किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करता किसी कंपनी में भी, क्यों नहीं करता, वो कारण ये है दोस्तों, क्योंकि वो मान लो चीज़ हमने खरीद ली और वो ना चली फिर क्या जिम्मेवारी है उसकी,
मगर दोस्तों हम उसे ही असेंबल करेंगे इसमें, और जो नए लगाए हैं वो दूसरे में लगाएंगे। दोस्तों ठिप्पा जो था वो देसी लगाया हुआ है इसमें, मतलब यॉर्क कंपनी का ठिप्पा नहीं लगा हुआ है इसमें, जो कि नया तो लगा दिया है। बाकी देखते हैं दोस्तों डिसीजन क्या लेते हैं कस्टमर, और उसके अंदर ठिप्पा जेन्युइन लगेगा या वही वाला लेके दोबारा वेल्डिंग किया जाएगा, जो कि सही तरीके से लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो उनकी अलाइनमेंट है ना दोस्तों कमानियों वाला सेंटर जो है वो आउट लगा रखा है, वो लगा तो उसने नया दिया बिल्कुल सही, कहना वो पूर्ण जानकारी ना होने की वजह से दोस्तों कुछ होती नहीं है ना, बस कहना फिट तो कर दिया, फिट कोई भी कर लेता है, मगर वो बात वहीं आ गई ना घूम फिर के, वो सही जगह अगर लगा होता और सही तरीके से तो दोस्तों कोई दिक्कत ना आती। अब दोस्तों बाहर देखते हैं वो गाड़ी के बारे में, जो हमने गाड़ी का वो झूला खोल रखा था और उसके ऊपर चल रही है बात, यहाँ पे काम चल रहा है, और कमानी का जो पट्टा है दोस्तों और वो हमने बदल भी दिया है दोस्तों, ये कमानी का पट्टा जो है बदल दिया गया है, और झूला दिखाइए जरा ये टांग दिया गया है, और ये यहाँ से जो फटा हुआ था जो कि हमने साइड बदल दी आगे से पीछे कर दिया है, देख सकते हैं कमानी का जैक लगा कर तरीके से काम को मतलब किया गया है, ये नहीं है कि भाई कोई कर्रम खाई वाला काम किया है। और बाकी दोस्तों अब इसका काम तो फाइनल हो गया, गाड़ी भेजो इसे रकाबे टाइट करनी है, तो दोस्तों गाड़ी का हुआ काम फाइनल, और ये अभी गाड़ी जा रही है SST कंपनी की गाड़ी है, कहाँ की गाड़ी है यो? गाड़ी कहाँ की है? SS कंपनी की। कहाँ पे है यो गाड़ी? सहारनपुर। तो सहारनपुर में नहीं है क्या? वहाँ पे वहाँ नहीं बना सकते थे? नहीं, आपकी बहुत अच्छी है लगा, मैं काम कर रहा हूँ, और आपकी जो है यूट्यूब पे हम वीडियो देखते हैं तो काफी ज्यादा अच्छी है, बढ़िया। अच्छा ये तो करने का नहीं। दोस्तों काम हुआ इसका फाइनल, ट्राली का जो है अब दूसरी गाड़ी जो है जिसके डंडे जो हमने खोल रखे थे वो डंडे के ठिप्पे जो है वो सही तरीके से लगाने हैं, या देखा जाएगा या नया भी लगा सकते हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग पता लगेगा, अभी मैं कुछ नहीं बता पाएंगा दोस्तों। डंडा फट रहा है वो? नहीं नहीं ठीक है। ये फट रहा है? ये नहीं फट रहा, ये डालो डीजल में। ठीक है। तो दोस्तों डंडे में अब ठिप्पा लगाएंगे, और आप देखेंगे दोस्तों कैसे वीडियो में, अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे, कोई वीडियो अगर नहीं देखेगा तो उसका ही नुकसान है, मेरा नुकसान बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ लोगों को इस YouTube के माध्यम से, जो कि आप टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप के नाम से जानते हैं दोस्तों, और आप इस चीज़ को अगर सर्च करेंगे तो मैं मिलूँगा दोस्तों गूगल पर भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब पर, मतलब आप देखेंगे तो दोस्तों मैं आपको सब जगह मौजूद मिलूँगा, इसलिए दोस्तों कहता हूं मैं लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब जो करना है करो। तो दोस्तों अब ये देखिए ठिप्पा जो है मैं इसमें लगाऊंगा, और आप देखेंगे वीडियो में वही ठिप्पा जो टूट गया था दोस्तों गाड़ी का रास्ते में, और वही हम इसमें असेंबल कर रहे हैं, कोई मतलब कस्टमर के पैसे नहीं लगने दिए हैं, अगर कहीं अननोन पे होते तो दोस्तों आपको ये कहा जाता कि जेन्युइन ठिप्पा ले गया हो, और दोस्तों पहली बात कस्टमर जो था उसने ठिप्पा भी देसी लगवाया था, जो नीचे रखा हुआ ठिप्पा है यह ठिप्पा दोस्तों थर्ड क्वालिटी का है, जो कि बहुत ही चीप है, मतलब पतली पत्ती लगी हुई है इसकी, यहाँ से देख सकते हैं कितनी पतली है, और ये देख लो पुराना जो था ये मोटा कितना है, कम से कम 4 से 5 सूद में दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए कंपेयर करके बताइए ये 5 है या 4 है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों कि ये ठिप्पा जो है कितना मोटा और तमाम मतलब कितनी इसमें हैवनेट्स है, क्योंकि कंपनी के साथ का ओरिजिनल हो गया ना दोस्तों, ओरिजिनल हो गया, ओरिजिनल की क्वालिटी अलग आती है, जो गाड़ी के साथ आता है ना माल, जो उसके साथ जो आने वाली चीज़ है वो अलग ही होती है, मार्केट में मिलने वाला वो तो खैर अलग ही होता है, ये देख लीजिए दोनों गाड़ियों के जेट चेंज किए हैं, और ठिप्पे पे वेल्डिंग देख लीजिए, पहले तो देख लिया ना क्या कंडीशन है, अब बाहर आ जाइए, बाहर चलते हैं, डंडे को तो हाँ होगा बाद में, अब इसके जो है कान है इसके, ये कान वहाँ लगते हैं, ये कमानी के जो पट्टे जो है ना अंदर की तरफ लगते हैं वहाँ लगे होते हैं, देख लो मतलब कि कहानी इतनी ख़राब हो रखी थी, पर ठिप्पा बदलना होगा जरूर, ये नहीं दिखा कि हाँ ये भी ख़राब है, पहली बात तो मिला ही नहीं होगा दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ सामान की कोई टेंशन नहीं है, यहाँ बैठे बैठे ही सामान स्पेयर पार्ट वाला खुद दे के जाएगा, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भी हमें जाना पड़ेगा, वो खुद आएगा, देखो आ जाए जल्दी ले गया, बाईपास पे क्या करता,
वहाँ से वाहन लेता, फिर ट्रांसपोर्ट नगर आता और यहाँ क्या हो रहा, यहाँ तो सारा सामान यही मिल रहा है, यही मिल रहा ना, एक जगह खड़ी कर दो, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं। जी एन आर कंपनी की दोस्तों, बोर्ड तो उनका ही है, बाकी कस्टमर कौन सा है ये नहीं पता। उनकी गाड़ी आई हुई है दोस्तों हमारे पास, ये देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी खड़ी है और काम हो रहा है इस गाड़ी के अंदर। डंडे का हो रहा है दोस्तों, डंडा जो है इसका हमने होल रखा है जो कि दबा दिया गया है और फिट करना है। अब उस गाड़ी के पास चलते हैं दोस्तों जहाँ हमने डंडा टांगा था और वहाँ से रेडी लेके जाएंगे। और वो जो कंपनी तो खोल रखी इसकी, डंडा जो है ना डंडा उसका वो वाला जो निकलने की नहीं हो, ऐसे निकल जाएगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। तो दोस्तों वो डंडा उठाना है और डंडा उठा कर ले के बाहर आना है, जो कि जी एन आर बोर्ड की एक गाड़ी खड़ी हुई है हमारे पास और उसका हमने खोल रखा डंडा। उसमें जो है मतलब काफ़ी जो काम है, जो देख सकते हैं दोस्तों इसमें काम काफ़ी हैं और जो हमने करने हैं। और दोस्तों मैंने एक स्टेटस भी डाल रखा है आज जो कि इंस्टाग्राम पे, वो आप देख सकते हैं जाके कि भाई उसके अंदर जो है ना वो बुश किस तरीके से डालते हैं, वो गलत तरीके से अगर डालेंगे तो दोस्तों आपकी लाइन ख़राब हो सकती है। ठीक है दोस्तों, परले वाले उल्ले वाले हैं तो दोस्तों ये जो झूला आप देख रहे हैं ना, देखो अंदर से कितना ख़राब रखा है। ये गड्डी जो है दोस्तों जी एन कंपनी में नवदीप की गड्डी है दोस्तों ये, और ये नवदीप देख लो ध्यान ही रखता अपने क्या घूमे से नवदीप को, तो नवदीप जो है थोड़ा सा गड्डियों का थोड़ा ख्याल वाल थोड़ा सा ज़्यादा ही रखता है। थोड़ा देखो ये कंडीशन जो है गाड़ी की जो है वो ज़्यादा ही इसी डीपली हो रखी है, और इसके डंडे जो हैं दोस्तों वो अंदर से जो है मतलब थिपे पे सब इसके डैमेज हो रखे जो कि वेल्डिंग किए गए हैं। अब जो है दोस्तों इसे डंडे को टांगेंगे और उसके बाद ही हम आगे का जो काम है वो देखेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद और भी जो है मैं आपको दिखाऊंगा, एक गाड़ी का जो फ्रेम है उसमें सुराख करने हैं और वो भी दिखाए जाएंगे। जहाँ तक मुझे उम्मीद है जब तक मैं दिखाऊंगा आपको तब तक उसमें सुराख हो चुके होंगे, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। बाकी वीडियो के साथ बने रहें, मैं दिखाऊँगा आपको ज़रूर। तो दोस्तों जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। दोस्तों बने रहें वीडियो के साथ। क्या हो गया, बैठी मार्ग में अंदर।
तो दोस्तों वो डंडा जो है वो टांग देंगे, इसमें जो है कमानी की सेटिंग करनी है, वहाँ पे कुछ लगा नहीं रखा है जिससे कमानी रुक जाए। अब दोस्तों हम चलते हैं, वो वही ट्राली है जो पहले वाली है, उसका ट्राली का जो डंडा है हमें दबाना है अंदर जाकर, जो कि आपको मैं दिखाऊंगा हाइड्रोलिक प्रेस पे हम जाकर दबाएंगे उसे। और वीडियो के साथ दोस्तों अगर बने रहेंगे तो आपको और भी बहुत चीज़ों का पता लगेगा, जो कि डंडे में जो ठिप्पा जो लगाया गया था वो मैंने आपको बताया भी था पहले वीडियो में, दोबारा भी बता रहा हूँ दोस्तों कि वो ठिप्पा जो है पता नहीं दूसरी कंपनी का लगा दिया है, और जो कि इसके साथ जो ठिप्पा आया था हमने वही लगाया इसके अंदर, क्योंकि वो ठिप्पा बहुत हैवी और मोटा था, क्योंकि दोस्तों वो जो ठिप्पा है ना बेकार क्वालिटी का अगर हम लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अब जो इसमें हमने इसका वही पुराने वाला लगा दिया है क्योंकि वो ठीक था दोस्तों, वो सिर्फ क्रैगी तो था, वो क्रैगी तो था दोस्तों, वो अगर ख़राब होता तब की बात हो रोती थी, तब की बात दोस्तों हो रोती, मगर अब हमने ठिप्पा वही लगाया और मेग वेल्डिंग कर दिया दोस्तों। और आप वीडियो के साथ बने रहेंगे तो बहुत चीज़ें पता लगेंगी, आप वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा, अगर नहीं देखोगे स्किप करके देखो कुछ नहीं पता लगने का, बोर हो तो होते रहोगे तो फिर सब कुछ बैक कुछ नहीं कह पाएगा। क्या तो खोल रहे हो टंकी? हाँ पवन मिस्त्री, नके बोल्ट करने हैं इसके बड़े, करेंगे फ्रेम जल्दी से, कोई काम नहीं पकड़ता है नके वाला, तो सुराख बड़े करने वाला है आज गाड़ी में जगह नीचे पड़ने की। अरे वो उसमें तो वो लगा रखी थी है उसमें चादर से लगा रखी थी ना प्लाई वॉल की। अच्छा अच्छा वो काम बेकार था, उसमें हमने अलग अलग खोलनी पड़ी, पड़ी अलग नहीं खोले दिया। चलो ये खुल जाए, खुल के अलग करो इसमें, हम सुराख कर देंगे आराम से। दोस्तों टाटा 5530 का जो 6 चक्का है वो आया हुआ है, उसका नक्के के बोल्ट जो है दोस्तों वो ख़राब हो चुके हैं, 22 के बोल्ट हैं, 24 से करेंगे, वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों, बने रहना वीडियो के साथ। और दोस्तों और भी कई कमियां उस गाड़ी में शायद हम देखेंगे बाद में, फिलहाल जो करंट में जो काम है उसका सबसे पहले वो सुराख बड़े करने वाला काम है, जो कि मैं वीडियो में दोस्तों आपको दिखाऊंगा, तो बने रहना दोस्तों वीडियो के साथ। दोस्तों खाना खाने चला गया था मैं और इन्होंने सुराख कर भी दिए पीछे से, मुझे पता भी नहीं लगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों गड्डी में सब सामान खोल रखा है और कर कुरा के पास करा उन्होंने, मैं हो जाता करूँगा भी आगे और होगा। और दोस्तों डंडे भी टांग दिए हैं, लो थोड़ा सा ये फायदा हो जाता है दोस्तों वर्कर का कि यहाँ भी काम निमट जाता है दोस्तों, दोनों डंडे था दोनों डंडे टांग दिए हैं, और परली वाली ट्राली का भी डंडा मुझे लग रहा है टांग दिया गया है, रह रहा है शायद, देखता हूँ वहीं जाके पता लगेगा, नहीं टांगा नहीं है वो, रह रहा है दोस्तों, और वो काम फाइनल होने के बाद ही दोस्तों बाकी काम पूरे हो जाएंगे। ये देख लो पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, ये कर दिया सुराख इन्होंने, बोल्ट वो लेके आएगा लगा के देखो पहले जोड़ लगा दे। चला के रखो पेड़ को हमारा झूले अब उठा के लाए हैं और अब झूले करने हैं इसके, और वो नक्का जो हमने खोला है वो सुराख कर दिया गया है, एक तरफ का ही बदलना है दोस्तों, पल्ली साइड का नहीं है, एक तरफ का ही करना है। बोल्ट ले भाई जल्दी, बोल्ट ले आएगा डालना, तो बोल्ट दोस्तों ले जाएगा कस्टमर, और उसके बाद दोस्तों हम करेंगे फिट, और आपके सामने दोस्तों काम चल रहा है। दोस्तों हर कोई चीज़ खोलनी और उसे फिट करनी बहुत आसान है, मगर किस तरीके से करनी है वो हम जानते हैं, और वो इस फील्ड का बंदा ही जानता होगा। तो दोस्तों अब जो है ये नक्का जो है हमने किस लिए किया गया है,
क्योंकि जो ये वाले बोल्ट थे ना दोस्तों, ये 22 नंबर वाले जो बोल्ट थे वो डिले हो चुके थे इसमें, जो कि इसके नक्के को और फ्रेम को आने वाले समय में आपका फ्रेम भी तोड़ सकते हैं दोस्तों। अगर आप इस चीज़ की अगर लापरवाही लेकर चलते हो कि यहाँ भी हम इसका जो फ्रेम है, इसके जो नक्के के सुराख हैं वो ऐसे चले देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा जो देखी जाएगी, तो दोस्तों आपका फ्रेम यहाँ से चल भी सकता है, आपका फ्रेम जो है यहाँ से चल सकता है क्रैक होने की स्टार्टिंग में के लिए। तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी जानकारियाँ हैं कोई नहीं देगा, अगर YouTube पे अगर मेरे वीडियो देखेंगे आप सब, ये जितने भी भाई हैं तभी आपको पता लगेगा, नहीं आप अगर देखते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस अगर बंदे को हो जाता है किसी चीज़ का तो वो जल्दी से कोई शेयर नहीं करता दोस्तों। मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, मगर इसमें फ़ायदा किस चीज़ का है अगर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, नक्के वाली बात बता रहा हूँ, तो फ़ायदा दोस्तों आप सब भाइयों का है, मेरा नहीं है फायदा। दोस्तों आपकी गाड़ी है और आपने ही चलानी है, और रास्ते में अगर कोई समस्या होती है तो वहाँ एक से एक आपको तुर्रम खाए मिलेंगे, जो अपना मुंह ऐसा खोलेंगे जो आपके कान में से खून निकलने की संभावना हो सकती है, क्योंकि वो उस वक्त ऐसे पैसे मांग लेते हैं जो कि आप मतलब देखते हैं इतना मजबूर होते हैं मगर दिल दुखता है अंदर से। अगर इन कामों को दोस्तों हम पहले से ही अंजाम दिलवा के रखें, जैसे कि इस कस्टमर ने पहले ही इन कामों को अंजाम दिलवाया गया। दोस्तों मेरठ से आई हुई है गाड़ी है, और इस काम कराने के लिए जो है वो उन्होंने पता नहीं मेरठ में क्यों नहीं कराया, क्या चक्कर है, उनकी 100 बातें होंगी जो मुझे इस बारे में नहीं पता। तो दोस्तों आज हमने आपको इस गाड़ियों में सब ये बताया कि ये कमियां हो सकती हैं आपके साथ भी दोस्तों, इनसे बचने के लिए दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखें, अगर नहीं रखते दोस्तों फिर इसमें आप सभी भाइयों का ही नुकसान है। और दोस्तों आपको इन मैटर से अगर बचना है तो दोस्तों इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखें, ज़रूरी तौर पर। और जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है और कैसी लगी जो कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों, और भविष्य में देखो अगर आपको ऐसी ऐसी जानकारी है तो अगर वीडियो देखनी है तो मेरे YouTube चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। Instagram Facebook पर भी दोस्तों मेरे पेज हैं, जो कि आप वहाँ पर भी जाके मेरी वीडियो वगैरह देख सकते हैं, और आपको बहुत ही छोटी छोटी जो माइनर सी हैं वो जानकारियाँ मिलेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। और बाकी इतनी में नक्का खेच देगा, आप वीडियो में देखेंगे किस तरीके से खींचेगा वो भी देखना, ये थोड़ा टाइम भी सही, क्योंकि हम थोड़ा ऐसे ही खींच देते हैं, मैटर थोड़ा ऐसा ही है दोस्तों। आने वाला समय सबका सही रहे, ऊपर वाला सबको ठीक रखे दोस्तों। गुड बाय।